नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों जिसका आपको पता ही होगा कि हम यहाँ पे उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड जिसका एग्ज़ाम 16 फरवरी को होने वाला है, ठीक है, उसकी यहाँ पे प्रिपरेशन सीरीज चला रहे हैं और ये है उत्तराखंड जीके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट टू। इससे पहले मैं पार्ट वन बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको 50 क्वेश्चन के बारे में बताया था और आज मैं आपको 50 क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। ये हमारी जो सीरीज़ है 500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज़ होने वाली है, ठीक है, और इसमें मैं आपको उत्तराखंड जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा, ठीक है। और यदि आपको जो मैंने यदि आपको उत्तराखंड जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक से क्लिक करके हमारी वेबसाइट में जाके वहाँ से उत्तराखंड जीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन है 51, यानी आज का पहला क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में बना चुका हूँ पार्ट वन में, ठीक है, ये पार्ट टू है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोसी नदी के किनारे है गर्जिया देवी मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है? तो सौम्यकाशी है, उसका ऑप्शन बी राइट आ जाएगा, ठीक है, उत्तरकाशी का पौराणिक नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासु देवता की पूजा होती है, तो महासु देवता की पूजा कहाँ होती है? देहरादून में, क्योंकि देहरादून में अधिकतर जौनसारी लोग जाति के लोग रहते हैं, ठीक है। और महासु देवता किस जाति का देवता है? तो वो है जौनसारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? तो 54 का यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आ जाएगा, बाड़ाहाट क्या है उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 55 है, छिपला केदार मंदिर निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो इसका सी ऑप्शन राइट आ जाएगा, पिथौरागढ़ में क्या है छिपला केदार मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 56 है, हेमकुंड झील घिरी हुई है, तो इसका यहाँ पे बी ऑप्शन है, सात पर्वतों से घिरी है हेमकुंड झील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, राज्य के शुद्ध सिंचाई क्षमता में सर्वाधिक योगदान है, राज्य के सिंचाई क्षमता में सर्वाधिक योगदान किस चीज़ का है? तो 57 का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आ जाएगा, नलकूपों का, ठीक है। 58 है, राज्य में दूध एवं दुग्ध उत्पादन को किस ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? तो 58 का यहाँ पे ए ऑप्शन है, आंचल के नाम से बेचा जाता है दुग्ध ब्रांड को राज्य में, ठीक है, उत्तराखंड राज्य में। 59 है, सहस्त्रधारा प्रपात के जल में मिलता है, तो इसका बी ऑप्शन राइट आ जाएगा, गंधक मिलता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, नैनीताल के काला ढूंगी व रामगढ़ क्षेत्र में मिलता है, तो इसका 60 का यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आ जाएगा, लोहा। दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड जीके की आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इस वीडियो के, ठीक है, तो वहाँ से आप क्लिक करके टेलीग्राम में जाएं और वहाँ पे आपको पीडीएफ फाइल हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, 1947 ईस्वी में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा संबंधित थे? तो क्वेश्चन नंबर जो 61 का, इसका डी ऑप्शन राइट है, वह थे गोरखा राइफल से। 62 है, यहाँ पे सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता सैनिक कौन थे? तो दरबार सिंह नेगी, जिन्होंने सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस जीता था। 63 है, यहाँ पे एक किग्रा में कितनी मुट्ठी होती है? तो एक किग्रा में होती है 16 मुट्ठी, और ये मुट्ठी का प्रयोग भूमि नापन में किया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन राइट है। 64 है, क्वेश्चन नंबर 64 है, उत्तराखंड में ई डिस्ट्रिक्ट योजना कब शुरू की गई थी? तो 64 का यहाँ पर सी है, 2009 में। 65 है, आयरन पंत को किस नाम से जाना जाता है? तो 65 के यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है, अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू के नाम से आयरन पंत को जाना जाता है, ठीक है। 66 है, प्रसून जोशी ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? तो इसका बी ऑप्शन राइट आ जाएगा, फिल्म तथा मनोरंजन में। 67 है, जय भारत जय उत्तराखंड निम्न में से किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो इसका ए ऑप्शन राइट आ जाएगा, राजेंद्र धस्माना का। 68 है, विश्व स्तरीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका बी ऑप्शन राइट आ जाएगा, मुक्तेश्वर में। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान स्थित है, तो इसका यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आ जाएगा, देहरादून में स्थित है भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान। 70 है, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम की स्थापना की गई है, तो कहाँ की गई है? तो इसका ए ऑप्शन है, देहरादून में की गई है। 71 है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थापित है, तो 71 का यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है, अल्मोड़ा में स्थित है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। 72 है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? तो इसका ए ऑप्शन है, श्री ए पी नवानी। 72 है, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य एकेडमी कहाँ स्थित है? तो 73 का यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है, अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है। 74 है, लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका ए ऑप्शन राइट आ जाएगा, खुटानी में लोक संस्कृत संग्रहालय स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75, उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो इसका सी ऑप्शन राइट है, गोपेश्वर में स्थित है उत्तराखंड हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट। 76 है, यहाँ पे नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई? तो ये है 1965 में हुई थी नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना, इसका बी ऑप्शन राइट आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत में किस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है? तो 77 का बी ऑप्शन राइट है, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर, जो कि उधमसिंह नगर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो इसका सी ऑप्शन राइट है, गुरुकुल कांगड़े विश्वविद्यालय हरिद्वार, जो कि उत्तराखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। 79 है, प्रसिद्ध पुस्तक ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के लेखक हैं? तो इसका सी ऑप्शन है, डॉक्टर आर एस टोलिया। क्वेश्चन नंबर 80 है, हिमालय समाज संस्कृति पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होती है? तो 80 का यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है, ये होती है नैनीताल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, प्रसिद्ध कविता उठो गढ़वालियों निम्न में से किस कवि की है? ठीक है, तो 81 का है ए सत्यनारायण रतूड़ी, जिन्होंने की यहाँ पे उठो गढ़वालियों की जो एक प्रसिद्ध कविता है गढ़वाल में, ठीक है, उसकी रचना की थी। 82 है, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था रुड़की में, रुड़की आपने देखा होगा इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, तो यहाँ पे एशिया का जो रुड़की में जो इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ है एशिया का प्रथम कॉलेज है। तो 83 है नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व सैनिकों को राज्य सेवा के समूह गांव घा में कितने प्रतिशत आरक्षण की सुविधा प्राप्त है? तो 83 का यहाँ पर सी ऑप्शन 5% दिया जाता है, जो कि पूर्व सैनिकों के क्या होते हैं फैमिली होती है उनके बच्चे होते हैं उनको ग्रुप सी और ग्रुप डी में 5% का आरक्षण दिया जाता है। 84 है, रिंगाल का उपयोग किया जाता है? तो रिंगाल एक क्या होता है प्लांट्स होता है गढ़वाल में, ठीक है, जिसका उपयोग किस में किया जाता है? तो 84 यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है, कालीन और टोकरी बनाने में, ठीक है। 85 है, हस्तशिल्प और हथकरघा के विकास हेतु क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो 85 का यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है, ये है काशीपुर में। 86 है, राज्य में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी? तो ये कब की गई थी? तो 86 यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है, मार्च 2003 में। क्वेश्चन नंबर 87 है, उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया ग्रुप सी की एग्जाम में। तो 87 का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है, 1 अप्रैल से जब नया सत्र शुरू होता है, ठीक है। 88 है, भारत का किस देश के साथ महाकाली नदी संबंध है? तो 88 का यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है, नेपाल के साथ कौन सा संबंध है भारत का? महाकाली नदी संधि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, टिहरी जल विद्युत परियोजना, ठीक है। और टिहरी जल विद्युत परियोजना किस पर है? भागीरथी और विलंगना नदी पर है, और भागीरथी और विलंगना का जो संगम होता है वो होता है आपका गणेश प्रयाग में, ठीक है, टिहरी डैम जो पुरानी टिहरी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है, उत्तराखंड में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो 90 का राइट ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन डी 14 राष्ट्रीय राजमार्ग है उत्तराखंड में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 है, उत्तराखंड में कांचुला खरक है? तो कांचुला खरक क्या है? एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है उत्तराखंड में, ठीक है, इसका डी ऑप्शन राइट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, मैथी आंदोलन के प्रणेता है? तो मैथी आंदोलन क्या है कि इसमें क्या होता है कि जब दुल्हा और दुल्हन की शादी होती है तो वो क्या करते हैं एक एक पौधा क्या करते हैं रोपते हैं, ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन राइट आ जाएगा, कल्याण सिंह रावत मैथी आंदोलन के प्रणेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 है, राज्य के कितने जिले चीन से सीमा बनाते हैं? तो 93 का यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आ जाएगा, 3 जिले। अब 3 जिले कौन कौन से हैं? पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी, जो कि यहाँ पर चीन से यहाँ पर सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखने वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा जिला रखता है? 94 का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आएगा, पिथौरागढ़, जो कि किसकी से सीमा बनाता है? नेपाल से बनाता है, चीन से बनाता है, ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन राइट आ जाएगा। 95 है, तगड़ी, तगड़ी क्या है? एक आभूषण है, शरीर के किस अंग में पहना जाता है आभूषण? तो 95 का यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आ जाएगा, कमर में पहना जाता है तगड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 96 है, देवीधुरा मेला कहाँ लगता है? तो देवीधुरा मेला लगता है चंपावत में, इसका बी ऑप्शन राइट आ जाएगा, देवीधुरा मेला कहाँ लगता है? चंपावत में लगता है। 97 है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसी की थी? सरदेव सुमन ने, ठीक है, और सरदेव सुमन कहाँ के रहने वाले थे? टिहरी के रहने वाले थे, जिन्होंने जो टिहरी राज्य को मुक्त किया था राजा के शासन से, ठीक है, और 1949 में टिहरी किस में विलय होता? भारत में, यानी उत्तर प्रदेश का एक क्या बना था? जिला बना था। 98 है, राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो ये सभी मंदिर हैं, और तुंगनाथ मंदिर क्या है? उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, तो इसका डी ऑप्शन राइट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है? तो वशिष्ठ गुफा है ये टिहरी में स्थित, इसका ए ऑप्शन राइट आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 100, ग्रामीण उत्तराखंड में मुट्ठी शब्द किसकी पैमाइश के लिए, यानी किस के मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है भूमि मापन के लिए, मुट्ठी सुना होगा आपने, नाली सुना होगा, ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन राइट आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के भी 50 क्वेश्चन,
ठीक है, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 16 फरवरी को होने वाले हैं। तो आशा करते हैं आपकी तैयारी अच्छे से चल रहे होंगे, ठीक है, और एग्ज़ाम वही क्लियर कर पाएगा जो कि लास्ट में अच्छे से प्रैक्टिस करेगा, अच्छे से पढ़ाई करेगा। और आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।